First of all, thank you very much for providing me an opportunity to discuss with you. Legend personalities are sitting here and I am here to discuss my knowledge with you. When I was preparing my lecture, I started searching on internet and consulted with different books, and I also consulted with senior doctors, Dr. Anjan Nurdi and Dr. Mass, and compiled the data just for your knowledge. I have practiced my house job at Dr. Anjan's clinic, and I have seen that he used to check almost 30 to 40 patients in a single day. I am very impressed by his personality and his behavior towards his patients. And I am considering him a proud of homeopathy. कंसीविंग के लिए जो बेस्ट पीरियड है वो है ओव्यूलेटरी टाइम। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेटरी टाइम में तमाम हार्मोन्स जिसमें LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं वो एक पीक लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं और कंसीविंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद नॉर्मल स्पर्म में स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों चीजें नॉर्मल होनी चाहिए। और इसकी दूसरी साइड में जो ओवम है उसकी भी स्पर्म को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी एक नॉर्मल होनी चाहिए। जब एक नॉर्मल वे में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन भी नॉर्मल होनी चाहिए। जाइगोट की फॉर्मेशन और जाइगोट का फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक का सफर भी नॉर्मल वे में होना चाहिए। और जब जाइगोट ने यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होके प्रॉपर फीटस की नॉरिशमेंट होनी है अंटिल डिलीवरी तक, ये तमाम चीजें एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। जब भी इन तमाम चीजों में कहीं भी कोई हिंड्रेंस आएगी तो वो फीमेल इनफर्टिलिटी की कॉज बनेगी। उसके बाद अलामात पे आते हैं। अलामात में सबसे पहले एज, एज बहुत ज्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट की एज 30 to 35 है, इसमें उसे एक साल तक वो वेट कर लिया और उसने कंसीव नहीं किया, तो इट्स मीन शी शुड कंसल्ट हर डॉक्टर। ऑन द अदर साइड, अगर पेशेंट 35 से अबव है, ऑलरेडी एज के साथ उसके हार्मोन स्लो डाउन होना शुरू हो गया, तो क्या उसे एक साल वेट करना चाहिए? नहीं, शी शुड कंसल्ट विद हर डॉक्टर After 6 months। इसके अलावा जो अलामात हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ठीक से वर्क कर रहा है तो उसे कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बहुत ज्यादा लंबा है, लाइक 35 days टू या इससे भी ज्यादा, जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इन सेम कंडीशन, अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा है, इसमें जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ रही है और वही प्रॉब्लम फीमेल को इनफर्टिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। उसके बाद अगर एक फीमेल
फर्टिलिटी की तरफ लेके जाएगी। सो ओव्यूलेशन पीरियड नॉर्मल होना कंसीविंग के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद अब कुछ कॉजेस देखते हैं, क्या है ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से एक फीमेल इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती है। उन कॉजेस को एक दफा देख लेते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो एंडोमेट्रोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, हाइपर प्रोलैक्टिनिया, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेराइन फाइब्रॉइड, ये ऐसी वजूहात हैं जो कि एक फीमेल की इनफर्टिलिटी की वजह बनती है। इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये वजूहात कैसे इनफर्टिलिटी की वजह बन रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंसीविंग के लिए ओव्यूलेशन पीरियड बहुत मैटर करता है। एक प्रॉपर ओव्यूलेशन पीरियड में ही एक फीमेल कंसीव कर पाती है। जब भी ओव्यूलेशन पीरियड में प्रॉब्लम होगी तो वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगी। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सबसे पहले एमेनोरिया, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर पेशेंट एमेनोरिया की कंप्लेन कर रही है तो इसमें पेशेंट का ओव्यूलेटिंग जो पीरियड है वो वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हम पीरियड्स में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जिसमें एस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH हार्मोन। इन सब का अपने अपने लेवल में नॉर्मल होना और अपना अपना फंक्शन करना ज़रूरी है। अगर ये वैसे काम नहीं करेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस कहलाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्या आता है, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये एक हेल्दी ओवेरियन साइकिल है और नीचे नॉन फंक्शनिंग ओवरी। मेनली प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी में क्या होता है कि ओवरी एग की प्रोडक्शन करना ही छोड़ देती है, नॉन फंक्शनिंग ओवरी हो जाती है। जब एग की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, एग मैच्योर ही नहीं होगा, तो ये सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? उसके बाद हमारी क्लिनिक में हाफ से ज्यादा जो पेशेंट फीमेल आती हैं वो एंडोमेट्रोसिस का भी शिकार होती है। अब एक दफा देखें एंडोमेट्रोसिस है क्या। सो एक साइड पे आपको हेल्दी यूट्रस नजर आ रही और एक साइड पे एंडोमेट्रोसिस की यूट्रस नजर आ रही। अब एंडोमेट्रोसिस में होता क्या है? वैसे जो एक प्रोसेस है उसमें एंडोमेट्रियम सेल प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द यूट्रस ऑफ एंडोमेट्रियम। लेकिन एंडोमेट्रोसिस में क्या होगा? एंडोमेट्रोसिस में एंडोमेट्रियम सेल्स जो हैं वो डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं आउटसाइड द यूट्रस, और इस कंडीशन को क्या हम बोलेंगे? एंडोमेट्रोसिस। और ये फीमेल इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। इसके बाद कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे, जो अगर एक फीमेल हमारे पास आ गई है और हमें ये डायग्नोज हो गया है कि वो फीमेल एंडोमेट्रोसिस की पेशेंट है और एंडोमेट्रोसिस ही उसकी इनफर्टिलिटी की कॉज बन रही है, तो हमें मेडिसिन पता होनी चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट को
देंगे। उनमें से चंद जो एंडोमेट्रोसिस में वर्क करती हैं, वैसे तो ये होम्योपैथी की फिलॉसफी के खिलाफ है, क्योंकि होम्योपैथी में हर पर्सन की एक इंडिविजुअल रेमेडी बनती है। लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज जो एंडोमेट्रोसिस में वर्क करती हैं, मैं आपको इधर बताऊंगी। सबसे पहले, अगर एक पेशेंट आपके पास आ गई है, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशंस की, पता चल गया कि एंडोमेट्रोसिस की पेशेंट है, साथ में वो आपको दो अलामतें दे रही है। सबसे पहले कि उसकी पीरियड्स बहुत पेनफुल हैं और पेल्विस में बहुत दर्द और मेंसेस बहुत प्रोफ्यूज है। जब वो आपको ये अलामतें दे रही है और एंडोमेट्रोसिस भी है साथ, तो सबसे पहले जो मेडिसिन आपके माइंड में आनी चाहिए वो ज़ैंथोज़ाइलम। इसके बाद अगर एक पेशेंट आपके पास आ गया है एंडोमेट्रोसिस के साथ और वो कंप्लेन कर रही है कि मुझे पीरियड्स पे लेबर लाइक होती है, लाइक इतनी शदीद जैसे लेबर पेन है, दो मेडिसिन आपके जहन में आनी चाहिए, सिमिसिफ्यूगा और स्पाइना। लेकिन जब पेशेंट साथ में ये कह दे कि मुझे जो पीरियड्स ब्लड है वो बहुत क्लॉटेड है, तो आई थिंक सिमिसिफ्यूगा कम स्पाइना आपके जहन में ज्यादा आएगी। उसके बाद अगर एक पेशेंट एंडोमेट्रोसिस के साथ प्रॉब्लम ऑफ यूट्रस का भी कंप्लेन करती है और वो ये कहती है कि उसे बेरिंग डाउन पेन है पेल्विस में, तो आपके माइंड में जो मेडिसिन आनी चाहिए वो सीपीआर। इसके बाद अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, वो है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी। अब इस कॉज का पता होना चाहिए कि ये कॉज है क्या, क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक हेल्दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरी साइड पे पीआईडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें पस है हर जगह, ये एक इंफेक्शन डिजीज है पीआईडी, जो कि डिफरेंट किस्म के वायरस वगैरह से हो सकती है। जब इसकी पेशेंट आपके पास आ गई है और आपने डायग्नोज कर लिया है कि पेशेंट की इनफर्टिलिटी की वजह पीआईडी बन रही है, तो जो मेडिसिन आपके जहन में आनी चाहिए उनमें सबसे पहले, अगर पेशेंट की कंप्लेन करती है कि उसे पीआईडी के साथ वजाइनल डिस्चार्ज है, तो आई थिंक मर्ज साल आपके माइंड में आनी चाहिए। उसके बाद अगर एक फीमेल ये कंप्लेन करती है कि उसे पीआईडी के साथ बहुत हैवी ब्लीडिंग है और वो ब्लीडिंग भी क्लॉटेड है, तो स्पाइना आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर एक पेशेंट ये कंप्लेन करती है कि उसे पीआईडी के साथ पेन है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो क्रियोसोटम मेडिसिन बनेगी। इसके बाद अगर पीआईडी भी है पेशेंट को, आपने ये डायग्नोज कर लिया और उसके साथ उसे पीरियड्स में पेनफुल है, तो मेडोडीना मेडिसिन बनेगी। उसके बाद अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओ। आजकल हर फीमेल इस डिजीज से अफेक्टेड है और मोस्टली ज्यादातर वजह फीमेल इनफर्टिलिटी की पीसीओस ही बन रही है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक साइड पे नॉर्मल ओवरी है और एक साइड पे पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या है, इसमें ओवरी ने एग को मैच्योर करना ही छोड़ दिया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियंस बन रहे हैं, तो पेशेंट को ओव्यूलेशन नॉर्मल कैसे होगी, पेशेंट नॉर्मल कंसीव कैसे कर सकती है, और पीसीओएस एक बहुत बड़ी वजह है। और हमें इसको खत्म करने का पता होना चाहिए कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन से इस कॉज को कैसे
होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर एक पेशेंट आपके पास आती है और वो ये कंप्लेन कर रही है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग है, एंड ऑन द अदर साइड दूसरी पेशेंट ये कंप्लेन कर रही है कि मुझे बहुत ही स्कैंटी महसूस है, तो इन दोनों की मेडिसिन अलग अलग बनेगी। प्रोफ्यूज मेंसेस वाले की कल्केरिया कॉर्ड और स्कैंटी मेंसेस की पल्साटिन। उसके बाद अगर फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल ही सप्रेस्ड है, इरेगुलर है, तो नेट्रोम्यूल भी दी जा सकती है। इसके बाद अगर फीमेल के मेंसेस अब्सेंट है या सप्रेस्ड है, तीन मेडिसिन जो है वो इसमें हम यूज करवा सकते हैं, उसमें पल्साटिला, कॉलीकॉर्ड और स्नेशिल। इसके बाद अगर एक पेशेंट ये कंप्लेन करती है, पीसीएस में हिस्टेरिसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट के हमने उस प्रॉब्लम को भी ओवरकम करना है, तो उसमें जो मेडिसिन वर्क करती है होम्योपैथी की वो ओलियम जेट और थूजा है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर पीसीओएस में पेशेंट को बहुत ज्यादा बेस्टी हो गई है तो हम क्या करें, हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मेडिसिन हैं जो कि पीसीओएस में द बेस्टी को क्योर करती हैं। उसमें कल्केरिया कॉर्ड, ग्रेफाइटस एंड अमोनियम कॉर्ड वर्क करेगी। उसके बाद जैसे कि पीसीओएस में सिस्ट बन जाती है ओवरीज़, तो उन ओवरीज़ को में सिस्ट को खत्म करना भी आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि इसमें वर्क करेंगे। उसमें अगर सिस्ट राइट ओवरी में है तो तीन मेजर मेडिसिन लाइकोपोडियम, बेलाडोना एंड एपिसमेलिथ्रिन। और अगर पेशेंट की सिस्ट लेफ्ट ओवरी में है फिर क्या करें, क्या यही मेडिसिन थे? नहीं, क्योंकि लेफ्ट ओवरी की होम्योपैथिक में मेडिसिन अलग होंगी और राइट ओवरी में अगर सिस्ट है तो उसकी मेडिसिन अलग है। सो लेफ्ट ओवरी में सिस्ट की कौन सी मेडिसिन बनी, उसमें थूजा और लेक्सिस। इसके साथ साथ कुछ मदर टिंचर्स भी हैं जिसमें फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत अच्छा वर्क करता है ओवेरियन सिस्ट के लिए। उसके बाद अगली कॉज की तरफ आते हैं, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। अब हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड ओवुलेशन के लिए दो हार्मोन रिलीज करता है, FSH और LH। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों का एक अपने लेवल में होना कंसीविंग के लिए, उसमें वेट का ज्यादा कम होना या स्ट्रेस, अगर पेशेंट डिप्रेशन में है वो स्ट्रेस लेती है बहुत, तो भी उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे जिससे LH FSH का लेवल डिस्टर्ब होगा और वो फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाएगी। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही सीक्रेट करता है, अब इसका क्या काम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर तो एक नॉर्मल काम वे में काम कर रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग गया तो वो एस्ट्रोजन के लेवल को मुतासर करेगा और जब एस्ट्रोजन का लेवल ही लो होगा तो वो इनफर्टिलिटी की कॉज बनेगा। इसके बाद अगली कॉज की तरफ आते हैं, ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब। ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब की बहुत सी वजूहत हो सकती है, कोई इंजरी आ सकती है, एक टॉपिक प्रेगनेंसी ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब की बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब में इंफ्लेमेशन हो गई तो भी वो ब्लॉक हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया
प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब एक खास रोल अदा करती है, और जब फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक होगी तो कंसीविंग में प्रॉब्लम बनेगा, फीमेल इनफर्टाइल होगी। सो अगर पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, आप हमें इसमें क्या करें? एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा रोल अदा करती है। अगर ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में इंफ्लेमेशन है, तो एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि पेशेंट की ये काज को खत्म कर सकती है। उसके बाद अगली काज की तरफ आते हैं, यूटेराइन फाइब्रॉइड। अब यूट्रस में हमें क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले यूट्रस के साथ साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। यूट्रस की जो अपेरेंस है, जो उसका साइज है, जो उसकी शेप है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो भी वो इनफर्टिलिटी काज करेगी। उसके बाद अगर यूट्रस में ट्यूमर है तो भी वो इनफर्टिलिटी शिकार करेगी। इसके बाद सर्वाइकल स्टेनोसिस, अगर पेशेंट सर्वाइकल स्टेनोसिस का शिकार है तो कंसीविंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वाइकल स्टेनोसिस फीमेल इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। सो हमें पता होनी चाहिए कि जो फीमेल हमारे पास आ रही है उसकी कॉज क्या है। क्या वो वाकई सर्वाइकल स्टेनोसिस की पेशेंट है, या वो एंडोमेट्रोसिस की पेशेंट है, या उसे ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब एक फीमेल हमारे पास आती है। इसके बाद पुअर सर्वाइकल म्यूकस। मैंने स्टार्टिंग में प्रोसेस में बताया था कि सर्विक्स में सर्वाइकल म्यूकस होता है, जिसका क्या काम है कि वो स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करता है। जब सर्वाइकल म्यूकस ही पुअर होगा, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी वो नहीं होगी जो होनी चाहिए, तो वो भी इनफर्टिलिटी का कॉज बनेगा। सो यूटेराइन फाइब्रॉइड को होम्योपैथिक में देखते हैं कि होम्योपैथिक इसमें क्या किरदार अदा करती है। कुछ मेडिसन हैं जो कि यूटेराइन फाइब्रॉइड को सर्जरी के बगैर ठीक कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि पेशेंट को सर्जरी के बगैर शिफा मिले। सो कुछ होम्योपैथिक मेडिसन हैं जो बताऊंगी, उसमें सबसे पहले अगर पेशेंट को यूटेराइन फाइब्रॉइड के साथ हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो कलकेरिया कार्ब दें, और फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। उसके बाद अगर पेशेंट को यूटेराइन फाइब्रॉइड के साथ हैवी ब्लीडिंग की वजह से बहुत अनीमिया हो गया तो चाइना और फेरमेट वर्क करेगी। अगर पेशेंट को यूटेराइन फाइब्रॉइड के साथ बहुत ज्यादा मेंसेस आ रहे तो थेलेस्पी वर्सा भी वर्क करती है। हमने काजेस को देख लिया कि कौन कौन सी काजेस फीमेल इनफर्टिलिटी की वजह बनती है। इसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते। उसमें सबसे पहले एज, एज बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो ही एक फीमेल 35 से प्लस अबव हो जाती है तो उसके हार्मोन्स उसकी एज के साथ साथ स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। उसमें कंसीविंग के वो चांसेस नहीं रहते जो कि एक यंग एज में होते। इसके बाद ओवरवेट, क्योंकि जब बॉडी बहुत ज्यादा फैट बनाने लग जाएगी तो भी वो फीमेल इनफर्टिलिटी की काज बनेगी। इसके बाद अनहेल्दी डाइट, जो कि आई थिंक आजकल की सबसे मेजर प्रॉब्लम है। आजकल जो खाने हैं वो जरा भी हेल्दी नहीं, और बाहर के खाने बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, जो कि इनफर्टिलिटी की काज बनते हैं।
जो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं, जो पीसीओएस की वजह बनते हैं। उसके बाद डायबिटीज, डायबिटीज भी फीमेल इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी कारण है। उसके बाद अगर पेशेंट एंडोमेट्रोसिस का शिकार रह चुकी है, अगर पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जिसमें थायराइड पीसीओएस है, तो भी वो इनफर्टिलिटी की तरफ जाएगी। और लिकोरिया, लिकोरिया भी फीमेल इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकता है। अब जब एक पेशेंट हमारे पास आती है तो हम अपनी डायग्नोस को कंफर्मेशन के लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। हमें उन टेस्ट का भी पता होना चाहिए। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट पास्ट हिस्ट्री, पेल्विक एग्जाम जिसमें कि कोई फिजिकल सिस्ट या अबनॉर्मलिटी तो नहीं हो, एब्लेशन प्रेडिक्टर किट जो ये चेक करती है कि यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या लेवल है, एफएसएच हार्मोन जो टेस्ट करवाती है इसको पीरियड्स के खास दिनों में करवाना चाहिए। इसके बाद एक्सरेज, एचएसजी जो कि यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखती है, और इसके बाद ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ये कुछ टेस्ट हैं जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी को कंफर्म करने के लिए आप करवा सकते हैं। इसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप कैसे कम कर सकते हैं, सबसे पहले हेल्दी ईटिंग, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल फूड्स को अवॉइड करना ताकि हमारी बॉडी में फैट कम से कम बने। इसके बाद स्ट्रेस रिलीज करना, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारे हार्मोन्स को बहुत डिस्टर्ब करती है। और जब भी एक वुमेन एक साल दो साल तक कंसीव नहीं कर पाती तो घर वाले ही उसे स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। सो फीमेल के लिए जरूरी है कि वो स्ट्रेस फ्री हो। उसके बाद फीमेल इनफर्टिलिटी में होम्योपैथी का क्या करता है, उसमें अगर फीमेल इनफर्टाइल है, साथ में बहुत ज़्यादा मेंसेस, लिकोरिया, अनिमिया और वीकनेस है, तो कलकेरिया कार्ड और अल्ट्रासेरिनोसा। अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी के साथ पीरियड्स भी स्कैंटी हैं तो पल्सा और सीपिया दें। अगर पेशेंट को लिकोरिया का मसला है और एसिडिक वजाइनल डिस्चार्ज है, ये कॉज एसिडिक वजाइनल डिस्चार्ज भी इनफर्टिलिटी के एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। कैसे, जब जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसकी ही पीएच नॉर्मल नहीं होगी, वो एसिडिक होगा तो उसमें स्पर्म कैसे एक्टिव रह सकते हैं, वो भी डेड होना शुरू हो जाएंगे और वो फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाएगी। उसके बाद एक मेडिसिन, अगर फीमेल इनफर्टाइल और उसे मेंसेस भी रेगुलर है, साथ में डिसमेनोरिया भी है, तो अब्रोमा रेडिक्स भी मेडिसिन दी जा सकती है। ये था एक फीमेल इनफर्टिलिटी जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप उसकी हर एक चीज को देखा, एंड आई होप आई हैव एक्सप्लेन माई लेक्चर विद माई बेस्ट। If you feel any confusion, you can ask me please. I will try to give my best. Otherwise, my senior doctors are also here and he will help me in this recording. Thank you. अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और उसके बाद फिर हम जावेद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको समझ पाए। सवाल पूछिए, किसको सवाल पूछ। मेरे को तो बड़े सवाल हैं, तुझे तुझे कर अच्छो अरे चलना किसान अरे इमरान साहब, इमरान नास ये नहीं साहब जो है ये गुजरात होम्योपैथी कॉलेज में लेक्चरार भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नहीं। जी सर, बेसिकली तो इसमें जो अभी डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई बड़ी अच्छी और बड़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं,
लेकिन चूँकि होम्योपैथी में हम जिसका अलामात के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो अलामात के साथ साथ जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब तक आप उसको आपकी जो डायग्नोसिस है जब तक आप उसको कंफर्म नहीं करा लेते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि मल्टीपल जो रेमिडीज हैं वो रिकमेंड की जाती हैं होम्योपैथी में। अगर आपकी अलामात बदल जाती हैं तो आपकी मेडिसिन बदल जाती हैं, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए पर्टिकुलरली जो लास्ट में एक स्लाइड डॉक्टर ने दिखाई है जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट के जाती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और जब तक आपके डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं कर लेते कि ये आया पेशेंट किस सेगमेंट के तौर पर आया, फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज है एट डिस्प्लोरिया है आया है जिसके अंदर जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके लिए जब तक आप उसको टेस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ एक ये भी मतलब प्रॉब्लम है कि पेशेंट जो है वो बड़ा रिलैक्टेड हो गया है, किसी को आप एडवाइस करें कि वजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा के लाएं तो पेशेंट बड़ी जो है ना वो जो है ना मुश्किल से रात हो गया। तो बेसिकली इसके लिए जो है ये जो आपको आप एक को इसमें मेरी जो सजेशन है उसमें कंफर्मेटरी टेस्ट जो है ना जब तक आप उसके ऊपर आपने डायग्नोज हो के आपने तकलीफ होती है अलामात सुन के उसको कंफर्म नहीं करते कि उस तक आपका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर नहीं है। तो डॉक्टर साहब का कवर बड़ा अच्छा बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, तो मैं पर्टिकुलरली ये भी चाहूँगा कि आप कंफर्मेटरी टेस्ट के ऊपर भी जो है उनको जरूर रिलाई करें, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर नहीं कि आपने एक मे बी ह्यूमन एरर हो सकती है मल्टीपल जगह पे आके, लेकिन आपको अगर कंफर्म हो जाए और यू विल फील क्लियर कि जब आपका पेशेंट कोई आपकी मेंटेलिटी का एक भी पेशेंट अगर ठीक हो जाता है और अल्लाह ताला उन्हें वादे मदीना से नवाजता है तो फिर वो जोड़ा कितना खुश होगा, कितनी आपको भी दुआएं देगा। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर तैमूर साहब बैठे हैं, इनसे मैं चाहूँगा क्योंकि हमारी बेटी है उसने लेक्चर दिया है, मैं चाहूँगा कि इनकी मायरा दा राय भी थोड़ी सी शामिल हो जाए, उनको दें डॉक्टर साहब फीडबैक। तैमूर साहब आपको सवाल करना चाहिए, कोई बात करना चाहिए। सवाल ही मैं मानता है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट है और डॉक्टर साहब हमने इनको बुलाया है, इन्होंने मेहनत की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर तैयार किया है, और सबसे ज़्यादा जो बात करना चाहूँगा वो है एक होम्योपैथी के लिए ये पहला टेस्ट जा सकते हैं। अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन में कामयाबी से वो मराहल तय कर लेते हैं तो आगे चल कर ट्रीटमेंट जो है वो कोई मसला नहीं रहती, मेरे ख्याल में फोकस इस पर करना चाहिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो अगर ज़रूरी समझे तो करवाएँ। बहुत शुक्रिया।